हेलो गाइस हेलो डियर डॉक्टर एफएमजी स्पेशली एंड ये वीडियो तो खैर इंडियन ग्रेजुएट के लिए भी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए भी तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही इजी वे में मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट एफएमजी एम्स आई एंड सेट और नीट पीजी के बारे में बहुत ही डिटेल मतलब ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रहेगा बट इन डेप्थ एनालिसिस रहेगा फॉर श्योर इन डेप्थ एनालिसिस मीन्स यू विल गेट एवरी इन वेरी मिनिमम टाइम सो गाइज प्लीज़ वॉच फुल वीडियोज फर्स्ट डिस्क्रेमर तो गैस लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ तो कि जो दो दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि जो हेल्थ सेक्रेटरी है एनएमसी का उसने एनएमसी का जो सेक्रेटरी है उसने लाइव आ सब कुछ वेबिनार करके बताया है और गैस फाइनल डॉक्यूमेंटेशन इज़ इन द प्रोसेस इट विल कम वेरी सुन तो गैस मैं जो बताने वाला हूँ वो स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ क्या क्या वट ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गैस सबसे पहले नेक्स्ट वन हो गया दूसरी चीज़ नेक्स्ट वन कैसा होगा नेक्स्ट टू कैसा होगा क्या इसके प्रोसेस है क्या सिलेबस है क्या ड्यूरेशन है क्या क्या पोन कौनस है देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफ एग्जाम कब होंगे वेरी इंपॉर्टेंट गाइस स्पेशली एफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्या क्या करना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है पूरा वीडियो बढ़िया से देखो और समझो इस चीज़ को तो जो प्रोसेस मैं वीडियो का रेगुलर रहेगा क्या रहेगा एफ के बारे में बताने वाला उसके बाद नीट पी कब होगा कैसे होगा आयन के बारे में क्या होगा कैसे होगा

नेक्स्ट होगा इस चीज़ को तो कंफर्म कर दिया है जो हेल्थ सेक्रेटरी है और एनएमसी का जो ऑफिस बेरर है तो गाइज़ मेन चीज़ जो है मेन टेकमेंट क्या है कि नेक्स्ट होगा नेक्स्ट वही होगा नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू गाइज एवरी इज़ अकॉर्डिंग टू गैजेट सम चेंजेज आर देयर विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू तो गाइज सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट वन पे नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट वन कैसे होगा सबको पता है नेक्स्ट वन जो होगा वो क्लिनिकल बेस पे एग्ज़ाम होगा या आपको फाइनल प्रॉफ के बाद होगा और ये अप्लाई किससे है नाइनटीन बैच से जो इंडिया में मेडिकल ग्रेजुएट है जो अभी नाइनटीन बैच में है मतलब अभी फोर्थ ईयर में जो है उससे ये अप्लाई होगा उस पर उससे पहले जो है ऑब्वियसली दे आर आइदर इन डूइंग इंटर्नशिप और दे आर पोस्ट इंटर्न सो उन लोग के लिए अभी देर इज सेपरेट थी सेपरेट थिंग विच एम गोइंग टू टेल यू लेटर सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट वन 2019 बैच के यही हिसाब से इसी हिसाब से एफ अपने को फॉलो करें नाइनटीन बैच के हिसाब से मतलब कब आपका डिग्री कंप्लीट हो रहा है तो गाइस सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट होगा गाइस नेक्स्ट वन गाइस पाँच दिन का टोटल एग्जाम होगा फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ वट वट इट मीन फर्स्ट डे एग्जाम होगा बीच में सेकेंड डे गैप थर्ड डे एग्जाम होगा फोर्थ डे गैप फिफ्थ डे एग्जाम होगा अब आते एग्जाम होगा कैसे गाइज जैसा कि सबको पता है क्लिनिकल बेस एग्जाम होगा मल्टीपल एम सी क्यू होगा निगेटिव मार्किंग रहेगा वन वन फोर्थ निगेटिव मार्किंग ये क्लियर कर दे तो निगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें भी गाइज अब होगा कैसे गाय इसमें तीन मेजर सब्जेक्ट दिया है फाइव मेजर सब्जेक्ट दिए जिसमें तीन मेजर है ओ बी जी एंड ओ बी जी ऑप्शन गाय सर्जरी एंड एन एनालाइट मेडिसिन एंड एन एलाइट सब्जेक्ट अब एलाइट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जैसे मेडिसिन के साथ फार्मा आ जाएगा सर्जरी के साथ रेडियो तो कुल मिला के छोटा छोटा सब्जेक्ट को उसने इंक्लूड किया है मेनली वो फोकस रहेगा मेडिसिन सर्जरी ओ बी जी पे गए जिस लोगों ने यू पी एस सी सी एम एस का एग्जाम दिया होगा सेम प्रोसेस सब कुछ सेम है कोई डिफरेंस नहीं उसमें तो गैस ऐसा होगा अब आते हैं ये एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसा रहेगा वन थर्ड एंड फोर्थ जो रहेगा टोटल पाँच दिन का विंडो रहेगा इसमें वन थर्ड एंड फिफ्थ दे को एग्जाम रहेगा अब आते इस पर कैसे क्या क्या, क्या एग्ज़ाम लेगा तो गैस सबसे पहला दिन रहेगा तीन घंटे का मेडिसिन एनालाइट सब्जेक्ट वन ट्वेंटी मार्क्स का रहेगा उसके बाद बीच में दो बार का ब्रेक रहेगा फिर उस पेडिया पेडियाट्रिक्स रहेगा वो कितना देर का रहेगा वन पॉइंट फाइव आवर्स का डेढ़ घंटे का रहेगा और सिक्सटी मार्क्स का रहेगा सेकेंड डे मेडिसिन सर्जरी एंड एनालाइट अगेन ऑपथेलमोलॉजी रहेगा सेकंड पेपर में वैसे ही ड्यूरेशन दो तीन घंटे का फर्स्ट पेपर वन ट्वेंटी मार्क्स फिर दो घंटे का ब्रेक लास्ट में डेढ़ घंटे का फिर से वो थर्ड डे पे ओबीजीएन और ऑप्शन गए ना कैन ई एन टी तो गैस ये तीन दिन का शीड्यूल हो गया इसको मार्किंग किया जाएगा गैस टोटल जो कैलकुलेट मार्क्स है उसके हिसाब से आएगा क्राइटेरिया क्या है आपको फिफ्टी परसेंट लाना है क्वालिफाई करने के लिए पास क्वालिफाइंग एग्जाम है स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं आपको फिफ्टी परसेंट लाना पड़ेगा बट यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू स्कोर फिफ्टी परसेंट इन ईच सब्जेक्ट टोटल छः सब्जेक्ट में सबको फिफ्टी परसेंट लाना है ऐसा नहीं कि किसी में सेवेंटी किसी में थर्टी है तो एवरेज नहीं सब में लाना है उसके बाद कैसे आता है आप अगर फेल करके तो क्या अगर किसी बच्चे ने नेक्स्ट वन में फेल किया है उसको क्या किया जाएगा कैस फिर से आपको पाँच में छः महीने बाद एग्ज़ाम देने का ऑप्शन है एग्ज़ाम दो बार होगा नेक्स्ट वन जो है जुलाई और नवंबर तो अगर आप जुलाई में फेल करते हैं तो फिर से नवंबर आपको देना होगा सप्लीमेंट्री नहीं होगा नेक्स्ट वन के लिए देर इज़ नो सप्लीमेंट ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं आपको तो ड्राइव आपको हर पाँच छः महीने पे एग्ज़ाम का ऑप्शंस मिलेंगे इसलिए अगर कोई बच्चा फेल होता है मैं तो बोलता हूँ सब पहले अटैम्प में पास हो बहुत मतलब ज़्यादा भी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है काइज अगर किसी ने एफ एम का एग्ज़ाम दिया होगा अगस्त दो का बीस का उसको पता होगा क्लिनिकल बेस होता है क्या है काइज दे आर ऑलरेडी ऑन पैटर्न ऑन द ट्रैक टू मूव यू टू क्लिनिकल बेस इसी टाइप का क्वेश्चन है वही क्लिनिकल सिनारियो है धीरे धीरे एफ का नीट पी में वही पेपर दे रहे थे अब आते हैं गाइस कब कब होगा जुलाई और नवंबर में जैसे कि मैं बताया ये ने, नेक्स्ट वन का ये है एक महीने बाद आपको विद इन वन मंथ दे विल डिग्लियर रिज़ल्ट आफ्टर नेक्स्ट वन अगर पास हो उसके तो बाद रिज़ल्ट आने के बाद आपको एक साल इंटर्नशिप करने का हुआ यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आपको साल में दो बार इंटर्नशिप ज्वाइन करने का मौका मिलेगा एक दिसंबर में एक जनवरी में जो बच्चे पास किए फर्स्ट से एक महीने बाद इंटर्नशिप ज्वाइन करेगा इंटर्नशिप कम्प्लीट हो गया उसके बाद आपको फिर देना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू गाइज देर इज़ नो मार्क्सिंग सिस्टम इट इज़ आइदर फेल और पास अगर आप पास होते हैं तो आपको पास हो गए तो आपको पी का सीट मिलेगा नेक्स्ट वन का स्कोर के हिसाब से नेक्स्ट टू में कोई मार्किंग सिस्टम नहीं बस फेल और पास ये होगा कैसे गाइज अगर यू असेंबली का कोई पेपर दिया होगा उसके बारे में पता होगा मैं थर्ड मैं इसके बारे में दिया था क्योंकि मेरे एक यूनिवर्सिटी में एक डेमो एग्जाम होते हैं इनसे थर्ड पेपर मुझे पता है कैसे देना है गैस ये वही वाइवा टाइप का रहेगा डिजीज के बारे में पूछेगा डायग्नोसिस के बारे में पूछेगा डमी पेशेंट सा रहेगा दे विल एक्ट लाइक अ पेशेंट एंड यू हैव टू डू एवरी थिंग एंड बी देयर दे विल डिक्लियर यू फेल और पास अगर आप पास हो गए तो आपको नेक्स्ट वन जो एक साल पहले किए तो उस बेसिस से आप पी जी में सीट मिल जाएगा अगर आप फेल होते हैं नेक्स्ट टू में तो फिर से लोग बोलते हैं नेक्स्ट वन देना एग्जैक्टली exactly नहीं देना आपको एक सप्लीमेंट्री टाइम ऑप्शन मिलेगा सेप्टेम्बर में सेप्टेम्बर में और मार्च में नीट पी का सप्लीमेंट्री है कि अगर आप नहीं सॉरी नेक्स्ट टू का सप्लीमेंट्री अगर आप नेक्स्ट वन में नेक्स्ट टू फर्स्ट ईयर में पास नहीं हुए जुलाई में तो आपको सितंबर में सप्ली देने का चांस मिलेगा वहां पे आप नेक्स्ट टू पास हो जाओ फिर आपको पीजी का सीट मिल जाएगा साथ में लाइसेंस मिल जाएगा तो गैज ये था नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू का फंडा इसमें इंडियन ग्रेजुएट फॉरन ग्रेजुएट का सेम ही सिस्टम है नथ देर इज नथिंग डिफरेंस गैज ये आगे एवरी अबाउट नेक्स्ट और भी मैं डिटेल में आगे के वीडियो लाने जा रहा हूँ नेक्स्ट के बारे में अभी तो मैं सिंपल वे में बता दिया बहुत तरीके ईजी समझने का नाइन टू थाउजेंड नाइन जो दो हज़ार उन्नीस का बैच का है उससे ये फॉलो होगा गाइज अब आते हैं हम अपना लॉजिक पे और अपना जो स्टडी है जो एक्सपर्टीज कह रहे हैं जो एनएमसी बोले सी एफ एम जी नीट पी और आई एन सेट होगा कि नहीं गाइज फॉर एफ एम जी देर इज क्रिस्टल क्लियर दिसंबर का एग्जाम होगा और गाइज दिसंबर में सॉरी जुलाई में होगा एफ और गैस दिसंबर में भी होगा मेरे हिसाब से नाइनटीन परसेंट है कि होगा रीजन कि अभी जो है एफ एम जी बच्चे को जो एक सॉरी नेक्स्ट एक एम्स जो है वो एक ले रहा है नेक्स्ट जो पेपर है वो एम्स लेगा एम्स एक मॉक टेस्ट दिया है तो उसमें गैस देखो एफ एम जी को एंट्री नहीं दिया है वो सिर्फ वही बच्चा भर सकते हैं जो इंडिया ग्रेजुएट है जो इंडिया से टू थाउजेंड नाइनटीन बैच है दे कैन ओनली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट इसका मतलब एफ एम जी को अभी चांसेज मिलेंगे दिसंबर लास्ट एफ होगा लेकिन दिसंबर में होगा ये मुझे नाइन्टी परसेंट लगता है गाइस जुलाई तो कंफर्म है ही अब आते हैं गाइस क्यों इंडिकेट कर रहा है क्योंकि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट नेक्स्ट विल बी इन मई ये मेरा एनालाइजेशन है क्यों क्योंकि अभी दे आर गोइंग टू टेक नीट पी जी इन टू थाउजेंड में नीट पी लेगा तो अगर नीट पी लेगा तो उससे पहले नेक्स्ट कैसे ले सकता है नेक्स्ट वन ये लॉजिक की बात है बाकी चीज़ें क्लियर अभी गैजेट आएगा उसमें होगा तो मेरा ये है कि नीट पी तो हंड्रेड होगा दो में जनवरी एफ एव में एफ भी मुझे लग रहा है कि दिसंबर में होगा जुलाई तो होगा ही होगा दिसंबर में भी होगा और आई एन सेट भी नवंबर में लेगा ये मेरा एनालिसिस है ने और भी जो एक्सपर्ट लोग से बात किए हैं क्योंकि द वे दे हैव ड्राफ्टेड द ड्राफ्ट जो बनाया है उसके हिसाब से ये पूरा मिक्सअप हुआ पड़ा है गैस बस इतना चीज़ कन्फर्म हुआ कि नेक्स्ट होगा और ये ये पैटर्न है ये सब्जेक्ट रहेगा ये मार्किंग सिस्टम रहेगा बट गैस दिसंबर में जनवरी में नीट पीजी का अटैम्प मिलेगा नवंबर में आई एन का अटैम्प मिलेगा और नवंबर में दिसंबर में एफएमजी का भी अटैम्प्ट मिलना चाहिए नाइन्टी परसेंट चांस है रेस्ट थिंग आई विल बी लाइव आई विल बी कमिंग विद वीडियो ऑल डिटेल एवरी अबाउट लाइक दिस थिंग्स सो गेस फॉर नाव बहुत ही इंडियन एंड फॉरन ग्रेजुएट के लिए बहुत ही क्लियर कट रास्ता है लास्ट में फिर से बता रहा हूँ चार चीज़ें नेक्स्ट होगा नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू का पैटर्न मैंने बता दिया स्टार्टिंग में एफएमजी नीट पी जी आई एन सेट सब एग्जाम ख़त्म होने वाले फ्यूचर में सिर्फ एक नेक्स्ट एग्जाम होगा बट फॉर दिस ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एवरी थिंग विल बी अकॉर्डिंग टू जैसे चलता आ रहा है एफ एम जी नीट पी जी आई एन सेट ये मेरा मोटा मोटी था अब गए जाते हैं जो और दो तीन लाइनें हैं आईन नेक्स्ट में जो है निगेटिव मार्किंग भी रहेगी नेक्स्ट का जो एनालेशन है मार्किंग सिस्टम मैंने बता दिया निगेटिव मार्किंग रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एम सी क्यू रहेगा क्लिनिकल सिनारियोज रहेगा इतना ध्यान रखना भाई मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन विल बी लेंदी फोर लाइन फाइव लाइन एज एफ एम जी अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी देन गए जाते हैं उसके बाद पैटर्न क्या रहेगा पैटर्न वही क्लिनिकल बेस्ड सिनारी रहेगा मेजर मेजर सब्जेक्ट जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है छः सब्जेक्ट ऑपथा ई एन टी मेडिसिन ओ बी जी पेडिया सर्जरी ये मेजर सब्जेक्ट है बट इसका मतलब ये कहीं नहीं होता आप कॉनटोलॉजी फिजियोलॉजी बाकी सब्जेक्ट का महत्व नहीं है सबका महत्व सेम ही है फोकस्ड थिंग विल बी दिस सब्जेक्ट पढ़ना तो आपको सब ही पड़ेगा ये ये था गाइस बाकी गाइस कोई कोरी हो आप कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट में करो किसी तरह कोई मिस्टेक हो वो भी आप कमेंट में करो क्योंकि हो सकता है आप भी कहीं पर एनालाइज किए हो बट गाइज मैंने इसीलिए दो दिन टाइम लिया था कि पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा गाइज़ बाकी एम के लिए मैं और विद इन टू और थ्री डेज गोइंग टू ब्रिंग वन वीडियो तब तक के लिए गैस स्टडी रहो फोकस रहो गैस कोई घबराने की बात नहीं है एग्ज़ाम का नेम चेंज कर दे सिलेबस चेंज कर दे बट हमें पढ़ना सब्जेक्ट है हमें पढ़ना एम बी बी एस का सारे सब्जेक्ट हैं वी हैव टू बी फोकस्ड फ्रॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फॉर द आवर फ्यूचर जो करना है करे हमें अपना स्टडी पे फोकस करना है गाइज तब तक के लिए स्टडी हार्ड